का समय है, बिल्कुल सुबह है अभी। मैं उठी और सब साफ करके फ्रेश होके और बच्चे के लंच रेडी करना शुरू कर दी। तीनों के लंच के लिए बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी और उसके बाद रोटी बनाएंगे। और अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं, जल्दी जल्दी उठे और सब कुछ जैसे रात में पोंछ देते हैं ना, फिर भी हम क्या करते हैं ना, ये सब को अच्छे से पोंछते हैं और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं कि वो उठते हैं कब। और उसके बाद यहाँ सब्जी बन रहा है, थोड़ी देर में पराठा बना देंगे और उसके बाद उनका लंच रेडी हो जाएगा। लेकिन उनको उठने में ही बहुत ज़्यादा लेट होता है। और यहाँ भगवान जी के रूम में लाइट भी जला दी, जैसे सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले यहाँ मंदिर में लाइट जला देते हैं और उसके बाद ही कुछ करते हैं। बाबू उठने का समय नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना उठने का समय, जब तक ना बोलूँ तब तक नहीं उठना। उठेगी, लेट हो रहा है। पवी बाबू सोतू सोतू। तो आप देखिए तीनों बच्चे लग रहा है अभी फैल फैल के सो ही रहे हैं। और तो चलिए अभी थोड़ी सी मसाला डाल देते हैं सब्जी में। यहाँ देखिए आलू मटर बन रहा है, क्या करते हैं इसमें मसाला डाल देते हैं। सबसे पहले नमक डाल देते हैं और उसके बाद डालेंगे हल्दी। और बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाते हैं सुबह का ना, बच्चे के लंच में तो ज़्यादा ये नहीं है कि तेल वाला सब्जी बनाए और ज़्यादा मसाला वाला, ऐसा नहीं बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं और हल्का सा नमक ये सब डाल कर चटपटा सब्जी बना देते हैं बच्चों के लिए। मेरे बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं, तो चलिए पहले चला लेते हैं इसको। सब्जी में थोड़े से भून के पानी डाल दें और ये क्या होगा जब पक जाएगा ना, और थोड़े से और इसको सुखा देंगे तो ये टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए अभी आटा लगा लेते हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ देखिए कल रात का रोटी इतना पड़ा हुआ है। बात ऐसी थी कि कल रात में हम खाना ही नहीं खाए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मैं सुबह जैसे 11-12 बजे मैं कुछ खाई थी, वही खाए खाए मैं अभी तक मेरे को इतनी बेचैनी हो गई थी ना। ये 9 दिन का नवरात्र के बाद ना एकाएक हम थोड़े से मसाला खा लिए और उसके बाद पकौड़ा ये सब खा लिए ना, उसके बाद में शरीर में ना पेट में अजीब सी जलन सी और गैस बन रहा है। इसलिए मैं अभी आज जाऊँगी, अभी नहीं आज जाऊँगी डॉक्टर के पास में, बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे और उसके बाद में जाऊंगी थोड़े से भी खाने। मेरे को ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा है और पेट में दर्द भी रह रहा है। तो इसीलिए मैं जाऊंगी दिखाने और उसके बाद देखती हूँ डॉक्टर दवा देगा बोले, क्योंकि डॉक्टर को तो सब पता है अपना प्रॉब्लम बताइए वो दवा दे देंगे। तो मैं अभी इन लोगों को रेडी करके स्कूल भेजूँगी और उसके बाद ही जाऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। पहले उन लोगों के लिए फ्रूट बॉक्स रेडी कर लेते हैं, यहाँ एप्पल कट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ तीनों फ्रूट बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ तीनों रेडी हो चुका है और साथ ही ये खाने के लिए चाहिए उन लोगों को। अब बोतल रेडी कर लेते हैं, इनको ना थोड़े गर्म पानी देंगे, तीनों को हो गया है जुबान। अभी इन लोग को नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, ये गर्म पानी से ही नहाते हैं, ठंडा से नहीं नहाते क्योंकि मौसम हो गया अभी चेंज। इसलिए यहाँ इनका लंच बॉक्स सब साफ़ करके रख दिए हैं, बस रेडी करना है। जैसे ना थोड़े थोड़े पानी कभी कभी रहता है ना, तो उसको अच्छे से पोंछ देते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे सब्जी और इसमें पराठा डालेंगे। सब्जी रेडी हो चुका है, थोड़ा देर और इसको सुखा देंगे, बिल्कुल सुखा देंगे। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ आटा भी रेडी हो चुका है बनने के लिए। चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहला रोटी देंगे चिड़िया को खाने को। तो यहाँ चिड़िया के लिए रख देते हैं, तोड़ तोड़ के पूरा चिड़िया खा जाती है। रोटी में चिड़िया को दी थी वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वो रोटी चिड़िया खा रही है। कोई भी आके खाए तो यहाँ देख सकते हैं, रखते रखते आके खाएगी, अभी भाग जाएगी। बच्चे के लिए दूध गर्म कर लेते हैं, जाओ जाओ। तो ये रेडी हो चुकी हैं, अब जा रही हैं जल देने, लेकिन सबका तबीयत थोड़ी अभी ख़राब हो गया है मौसम के कारण से। तो यहाँ बच्चे के लिए पहले दूध बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूध रेडी कर लेते हैं। अब भी बच्चे चले गए स्कूल, और उस समय इतना भागम भाग हो जाता है ना कि कुछ मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। बच्चे को किचन में रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, दूध दूंगी ये वो, और बहुत स्लो स्लो होते हैं, लगता है ना कि हाँ उनका समय ही नहीं पास होता है। फिर जैसे मैं पहुँची वैसे आके खड़ी थी मैं, बैठाई, और अब भी आके बैठी हूँ तो लगता है जैसे बच्चे चले गए ना। तो क्या होता है ना, अगर स्कूल जिस दिन हो और वो लेट करते हैं तो गाड़ी जब निकल जाती है तो इतना मुश्किल हो जाता है कि स्कूटी से ले जाके तीनों बच्चों को स्कूटी से छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए जिस दिन वो लेट होता है उस दिन बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब गाड़ी मिल जाता है ना तो लगता है कि चलो बच्चे स्कूल चले गए, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ स्कूटी से छोड़ना नहीं पड़े। नहीं तो एक को छोड़ के आओ फिर आओ तो दोनों को लेके जाओ, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो आज का मेरा सुबह से लेके अभी 8 बजे तक का यही रूटीन है। और आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।